मर गया वो, छोड़ दो उसको, उसको दफनाना है ना। पर नहीं दफनाओगे, यही छोड़ो। अरे वो मर गया है, उसको छोड़ दो आप, उसके पास से हट जाओ। बसंती जी कह रहे हो तुम जाओ। मुझे यही पसंद है। चलो दोबारा दूसरा ले आऊंगा तुम्हारे लिए, सही है? दूसरा दिला दूंगा, नहीं रो यार आप इतना क्यों? नहीं, ये वही पसंद था। तो वो पसंद था वैसा दूसरा दिला दूंगा, आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है यार। नहीं रो, चुप हो जाओ, मैं दिला दे। यार ये नज़र जो होती है ना, इतनी गंदी चीज़ होती है कि ये जानवरों की जान ले लेती है। हमारा मास्टर केज माशाल्लाह अभी आबाद होना शुरू हुआ था, मस्ताना भी यहाँ पर था, बसंती भी थी, लेकिन यार ऐसी नज़र लगी ना, हमारी बसंती भी वापस जाने वाली है, मस्ताना भी मर गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? भाई आज फाइनली आपके भाई ने अपने बकरे का नाम डिसाइड कर लिया है। काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, किसी ने शेरू का बोला, किसी ने बोला बादल रख लो, लेकिन आपके भाई को जो सबसे ज़्यादा नाम पसंद आया ना, वो है गब्बर। मतलब भरम आ रहा है ना गब्बर के अंदर। चलो भाई गब्बर को खाना वाना देते हैं फटाफट। आपका भाई गब्बर का खाना लिया था, ये चेक करो, इतनी ज़्यादा घास खाता है माशाल्लाह, मतलब बहुत ज़्यादा भारी है यार। हाँ भाई गब्बर घास खा लो फटाफट। यार आप लोगों ने गब्बर को इतना पसंद किया ना, मतलब लेवल का बकरा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप चेक करो, आपने ऐसा बकरा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। माशाल्लाह गब्बर जो है ना प्योर गुलाबी है, ये चेक करो, मतलब इसके स्किन में जो शाइन आ रही है ना यार, बहुत ही कोई लेवल का बकरा है। आपका भाई कल इसको लेके निकला तो यार मतलब लोग देख के पागल हो गए, पूरा मोहल्ला बोल रहा था क्या भला लेकर आ गए भाई तुम। यार अभी अभी उसामा भाई की कॉल आई, वो कह रहे हैं मस्तानी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप जल्दी से आएँ। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है यार मस्तानी की तबीयत को क्या हुआ, कल तक तो सेट था। अबे यार चार पे आप बस फटाफट आ जाओ यार, आपको कब से बोल रहा हूँ उनकी हालत बहुत खराब है। अबे मैं गब्बर को खाना खिला रहा था, अभी खाना खिला कर आ रहा हूँ बस, रास्ते में वो खाना बाद में खिला देना यार, उसकी बहुत यार बहुत कंडीशन खराब हो रही है, आप जल्दी आ जाओ फटाफट मेरे पास। हाँ रास्ते में हूँ मैं, रास्ते में हूँ, गाड़ी में ही हूँ मैं, आ रहा हूँ। जल्दी आओ फटाफट यार, मैं इसी के पास बैठा हूँ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस मैं उड़ाता हुआ, सही है। यार पता नहीं अचानक से मस्तानी को क्या हो गया, उसामा भाई कह रहे हैं फटाफट पहुंचो, इसका मतलब कोई सीरियस कंडीशन है लाजमी। अबे फास्ट ट्रैक पे क्यों चल रहे हो यार, इतना बड़ा ट्रैक्टर यहाँ रोड के बीच में आया है। चलो भाई उसामा भाई के घर पहुंच चुका हूँ, देखता हूँ क्या सीन। छत पर है, कहाँ पर है उसामा? अबे यार मिसाल पे आपको कब से फोन कर रहा हूँ यार, आ जाओ यार आ जाओ। क्या सीन क्या हुआ? अबे यार अचानक से सुबह रात में मेरे साथ खेल रहा था, सुबह अचानक लेटा हुआ मैं आया परेशान, बसंती को चारा डाल। अबे जिंदा तो है ना? नहीं ना यार, कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा है यार। अबे नहीं कर यार, डॉक्टर को फोन करके बोल रहा हूँ आ जाओ, बोल रहे आप लेकर आओ इधर, लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। अबे इसका पेट फूला हुआ क्यों लग रहा है इतना यार? यही तो समझ में नहीं आ रहा, इसने पेशाब नहीं करा यार 2-3 दिन से। अबे यार मस्ताना मर गया। चूजे भी मर गए, दिखाओ। अबे यार आपके भाई को यकीन नहीं आ रहा, मस्ताना मर गया यार। अबे यार चूजे भी मर गए। चलो चूजे तो मरते रहते हैं, लेकिन यार ये मस्ताना कैसे मर गया? दफनाना पड़ेगा इसको, चल दफनाते हैं इसको। अबे यार आज इतना बुरा दिन है ना, इतना बुरा दिन है, मतलब मुझे सुबह से ना अजीब सा फील हो रहा था, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है। उसामा ने कॉल की ना कि मस्ताना की तबीयत ख़राब है, तो आपके भाई को लग रहा था कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ ना कुछ मामला है। जैद बता रहा है दो चूज़े भी मर गए साथ। खैर चूज़े तो मरते रहते हैं, लेकिन यार ये मस्ताना जो है ना बहुत प्यारा था यार, ये बहुत ही प्यारा था। चल यार उसामा हिम्मत कर यार, कुछ नहीं होता, चल हिम्मत कर बस उसामा, हिम्मत कर बस, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला को बुलाना था इसको अपने पास। यार वो तो ठीक है, लेकिन यार कोई बीमारी हो कुछ हो, रात में मैं इसके साथ भाग रहा हूँ इधर। खाना वाना खाया था कल इसने? सब कुछ खाया था, पेट भर के मैंने लूसन, कल रात में तो लूसन दिया मैंने इसको। हाँ ना, पूरी तकरीबन आपके साथ ही तो खरीदी सारी गड्डियाँ माशाल्लाह का, ये देखे ना पेट इसका भरा हुआ है, कहीं से कमजोर नहीं है कुछ नहीं है। हाँ पेट फूला हुआ लग रहा है बहुत ज्यादा इसका, पता नहीं यार इसका पेशाब रुक गया मेरे ख्याल से, है ना। चल खैर है दफनाते हैं इसको। अबे मैं अकेला कैसे लेके जाऊंगा, चल यार साथ चल यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो समझ रहा था तबीयत वबीयत खराब होगी, मैंने कहा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे सही हो जाएगा यार। मस्ताने उठ जाओ यार, मस्ताने सामा मर गया है, छोड़ दे अब सामा, नहीं कर मर गया है वो, छोड़ दे अब।
नहीं उठेगा वो कभी भी। आजा हाथ दे, हाथ दे, आजा। थोड़ी देर बैठा रहेगा। नहीं नहीं आजा, बस बैठा रहेगा ना ऐसे गमगीन रहेगा। आजा, अल्लाह को प्यारा हो गया, अब छोड़ दे यार। ये मस्ताना जब से मरा है ना, जैद मुसलसल बैठ के रो रहा है, क्योंकि ये ना इससे मस्ताने से बहुत अटैच था यार, इसके साथ खेलता था। जैद मर गया है वो, नहीं आएगा वो। नहीं जीते बनाए तो वो जो कभी चला जाती है। अरे मर गया वो जैद, मरा तो वो, मर गया वो, छोड़ दो उसको, उसको दफनाना है ना। हाँ कोई नहीं दफना, नहीं दफना तो यही छोड़ो। अरे वो मर गया है, उसको छोड़ दो आप, उसके पास से हट जाओ। बसंती जी कह रहे हो तुम जाओ। नहीं मुझे यही पसंद था। यही पसंद था, चलो दोबारा दूसरा ले आऊंगा तुम्हारे लिए। सही है, मुझे सबके बच्चे चाहिए, गधे का भी, ऊंट का भी, भैंस का भी, सबका। सही है, ले आऊंगा, इसको छोड़ दो। सही है, चलो इसके पास से हट जाओ। भाई यकीन नहीं आ रहा यार, कल रात तक बिल्कुल सही था यार ये, घास भी खाई, लूसन भी खाई, सारी चीज़ें खा रहा था यार, इसको जॉब भी ला के दी मैंने कल। वो कहाँ घुस गई यार? अबे यार बसंती बाहर आओ, बसंती अबे चूजों के पास क्यों चली गई? बसंती इधर आओ, बसंती इधर आओ। अबे यार देख के जाना पड़ेगा, चूजे हैं सारे के सारे। आओ बसंती। अबे चूजों पे चढ़ गई तू, सामा इस पे चढ़ गई है। अबे यार इसको कैसे लेके जाऊँ बाहर, गधे के चक्कर में ना यार, ये गेट खुला रह गया। अबे इसको सांस आ रही हो सामा? अबे यार क्या हो रहा है आज हमारे साथ, बहुत बुरा दिन है यार आज। हाँ सबको आने दो, सबको आने दो, आ जाओ बसंती, आओ। आइंदा नहीं खोलना, सही है बसंती अंदर घुस जाएगी। यार ये नज़र जो होती है ना, इतनी गंदी चीज़ होती है कि ये जानवरों की जान ले लेती है। मैंने कई बार जानवर पाले हैं और माशाल्लाह से मेरे पास बिल्कुल सेट रहते हैं, मतलब कुछ भी मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन जैसे ही वीडियो में दिखाओ, कोई शो ऑफ करो, ज़्यादा आपका अच्छा एनवायरनमेंट दिख रहा हो ना, तो यार ऐसी नज़र लगती है कि इन सारे जानवर मर जाते हैं। अभी हमारा मास्टर केज आबाद होना शुरू हुआ था, मैंने सोचा था यहाँ पर बहुत सारे जानवर होंगे, पालूंगा, बहुत अच्छा सा माहौल होगा, क्योंकि आपके भाई को जानवरों का बहुत शौक है। लेकिन यार ऐसी नज़र लगी ना कि हमारी बसंती भी वापस जाने वाली है, मस्ताना भी मर गया। बस यार इसलिए कहते हैं भाई, दुआ पढ़नी चाहिए, इंसान को अपने आप को हिसार में रखना चाहिए, क्योंकि हदीस में भी है कि नज़र जो है ना ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है। यार खुदाई करने के लिए बेलचा भी चाहिए होगा, बेलचा उठा लेते फटाफट। इधर दफना देते हैं यार, इधर खोदते हैं, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे कड़क क्यों आ रहा है इतना नीचे से? पक्का है नीचे से? हाँ नीचे से पक्का है, चलो इधर खोदते हैं। बिस्मिल्लाह। जो भी जानदार चीज़ है ना, उसको मिट्टी के अंदर जाना है एक ना एक दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और अल्लाह ने ही तुम्हें ज़िंदगी बख्शी और अल्लाह के पास ही वापस जाना है। इंसान ना अपनी मौत से हमेशा गाफिल हो जाता है। और आप ये देखो, इंसान तैयारी कितनी लंबी करता है यार, 100-100 साल की तैयारी की जा रही है और पता एक मिनट का भी नहीं है। ये खड्डा खोद दिया हमने, अब देखते हैं इसमें आता नहीं आता। बेटा प्लीज़ पीछे हो जाओ, अल्लाह करे आ जाए यार इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आज का दिन ना आपके भाई का बहुत ही ज़्यादा बुरा गुजरा, क्योंकि मस्ताना भी मर गया, दो चूज़े भी मर गए। बस अल्लाह ताला को किसी ना किसी दिन रूह तो निकालनी होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी जानदार है, इंसान हो जानवर हो, इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्प्रेरी है, एक ना एक दिन उसको मरना है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फरीज़ा अदा कर दिया हमने, उसको दफना दिया है। दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि हमारा मास्टर के जो है अच्छा सा फले फूले और उसको इस तरह नज़र ना लगे। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो पसंद था वैसा दूसरा दिला दूंगा आपको, देख के मुझे भी रोना आ रहा है यार। नहीं रो, चुप हो जाओ।